अभी ये दहशतगर्दी एक्ट जो उसमें तरमीम लाई गई है कि शक की बुनियाद पे किसी को भी 6 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। इससे पहले 3 माह तक हिरासत में रखने का कानून मौजूद है, तो ये क्यों ज़रूरत पड़ गई अचानक हुकूमत को? क्या ये जो तरमीम आई है या जो बिल पेश होने जा रहा है 6 माह तक हिरासत में रखने का, ये सच में भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना है, या फिर इस कानून के ज़रिए भी जो पॉलिटिकल मुखालफीन हैं उनको कुचलना है? जी, ये इसका मकसद तो जो है इंसानी हकों के ये खिलाफ है कि जी सिर्फ शक की बुनियाद पर किसी भी इदारे को या किसी को भी ये ताकत और ये जस्टिफिकेशन या ये जवाब या ये ग्राउंड फराहम कर दी जाए कि पाकिस्तान की असेंबली ने कह दिया कि जी 6 महीने आप रख लें इसे, इसको की जो है मुजम्मत की जानी चाहिए। तो ना देखिए, मैं एक सवाल के साथ इसकी मुजम्मत कर रहा हूं। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इदारे के हेड ऑफिस में, GHQ में और मुसल्ला फौज के 200 इदारों पर 9 मई को केस जो हमले हुए उसकी वीडियोस मौजूद हैं। उस पर हुकूमत भी कहती है, उस पर वो फौज का इदारा भी कहता है, उस पर हमारे ISPR के सरबराहान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, वो वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन क्या मैं ये नहीं कहने में हक में जानिब नहीं हूँ कि 17 महीने हो चुके हैं मोहतरम, GHQ पर हमले करने वाले, कोर कमांडर हाउस पे हमले करने वाले, एयरफोर्स के जहाजों को आग लगाने की कोशिश करने वाले, और जो है किला बाला हसार पे हमला करने वाले, रेडियो पाकिस्तान पिशावर जलाने वाले, फैसलाबाद में ISI के दफ्तर पे हमला करने वाले, और एक दिन में एक शाम में 207 कोई 210 कहता है क्योंकि डेटा तो प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो हम हवाला इन्हीं चीजों को बनाएंगे ना कि जो बड़े बड़े वजीर आजम जो कह रहे होते हैं शहबाज शरीफ के 200-250 जगह पे हमला नहीं हो सकता था एकदम से। तो कहने का मकसद यह है कि एक जगह तो आप इतने बड़े कौमी सलामती के मामलात पे जो पाकिस्तान की तारीख का अनोखा वाकया हुआ है वो 17 महीने तक नहीं होता, और 1 साल होने से 2 दिन पहले कहा जाता है अगर माफी मांग लेंगे, ये ISPR की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके दिल से माफी मांग लेंगे तो फिर बात हो सकती है। तो कहने का मकसद है इंसाफ कहाँ गया? अगर कोई हमारे कौमी सलामती के इदारों पर हमला आवर होता है तो उसमें इंसाफ होना चाहिए था। अगर बेगुनाह लोग पकड़े हुए उन्हें रिहा करते और जो सजा के मुस्तहिक होते तो उन्हें पाकिस्तान के आम कानून के तहत उनको ट्रायल होना चाहिए था। ठीक है तो शाहिन साहब, ट्रायल तो 17 महीने में नहीं होता, और जो है 6-6 महीने अगर आप जेरे हिरासत रखेंगे कि जी कौमी सलामती के लिए खतरा है, इसको उठा लो उसको उठा लो, तो मुझे तो एक टेलीफोन ही आ जाएगा कि आपकी बात कौमी सलामती के खिलाफ है, तो जो है ठीक मैं है। परेशान हो जाऊंगा। अच्छा तो शाहिन कहने साहब, का मकसद शाहिन साहब, आज अमेरिकी सिफारतखाने का वफद अडियाला जेल गया है, वहाँ पे 3 कैदियों से मुलाकात हुई है, और ये 3 कैदी फॉरेन एक्ट के तहत गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले अमेरिकी कांग्रेस के मेंबरान ने बाइडन साहब को ख़त लिखा, और कल पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मेंबरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, और दोनों के जो खतूत का मतन है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। मेरा सवाल ये है कि अमेरिकी सफारतखाने के वफद ने अडियाला जेल में 3 कैदियों से मुलाकात की है, तो ये जो खबर जितनी बताई जा रही है ये इतनी ही है, या इसका भी कोई पस मंजर है या कोई लिंक है कांग्रेसी खतूत के साथ? बिल्कुल हो सकता है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है। जब रेमंड डेविस जो के पाकिस्तान के अमेरिका के पाकिस्तान में सिफारतखाने के लिए एक ब्लैक कंपनी थी, वो क्या थी, उसके जो है ऑपरेट कर रहे थे, गली गली में फिरते थे और पता नहीं क्या क्या मखसूस का जिम्मेदारियां जो जासूसों को दी जाती हैं, स्पाइज की एक्टिविटीज होती हैं, उन्होंने बंदों को लाहौर के शहरियों को कुचल दिया, वो निकल गए। तो वो जेलों में मुलाकातें जब भी होती रही हैं क्योंकि रेमंड डेविस को हिलाना था, ये बिल्कुल बात, इसको हम जो है इम्कान को रद्द नहीं कर सकते कि जो चूंकि वो 60 अराकीन ने असम्बली और सेनेट ने वहां पर खत लिख दिया है जाने वाले सदर बाइडन को, तो अब उसके नतीजे में उसके रद्द अमल में 160 जो हैं
अराकीन मुंतखब अराकीन असेंबली और सेनेट उनका खत जो है वो गया है वजीर आजम को कि आप हमारी बात पहुंचाइए, आपके चैनल से हम पहुंचा रहे हैं कि ये हमारे मामलात में मुदाखलत है। एक जानिब ये काम होता रहेगा कि वो खत भी लिखा जाएगा, दूसरा जानिब ये वही मुल्क है जहां जनरल परवेज मुशर्रफ जो है जाफराबाद के जो है अड्डे इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते थे, और उसके बाद जनरल अजीज जो है एक मशहूर प्रोग्राम है एंकर का या हामिद मीर के प्रोग्राम में आके कह देते हैं कि मैं जीएचक्यू में था पर मेरे इलम में नहीं था कि जो है, और एक दिन उसने बताया कि वो तो मैं जनरल मुशर्रफ ने बताया और ये वीडियो मौजूद है कि उन्होंने मुझे बताया कि वो तो हमने दे दिए, मैं क्या नाम लेते हैं।